आप इसको इस तरीके से चॉकलेट सॉस में डिप करके एंजॉय कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, भारतीय किचन में आपका स्वागत है। मैं भारती पाटनी, सबसे पहले तो आज आपका धन्यवाद देना चाहूँगी। आप लोगों ने मेरे चैनल को मोनेटाइज करने में मेरा बहुत साथ दिया और मुझे उम्मीद है कि आप आगे भी इसी तरह से मेरे को सहयोग करते रहेंगे। मैं आपके लिए लाते रहूँगी मेरे चैनल पर इसी तरीके से अपनी वेज रेसिपीज़, कुछ इनोवेटिव, कुछ ट्रेडिशनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ इंटरनेशनल डिश जो कि स्पेन की है। इसका नाम है चिरोज़। आइए देख लेते हैं इसको किस तरीके से बनाएंगे और इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आज हम बना रहे हैं चुरोस। इसके लिए मैं डाल दूंगी एक बर्तन में 1 कप पानी और इसमें डाल देंगे 2 चम्मच चीनी, डाल देंगे 3 चम्मच ऑयल या बटर, कुछ भी डाल सकते हैं। पानी में अच्छे से उबाल आने देंगे। जब पानी में अच्छे से उबाल आ जाए, हम इसमें 1 कप मैदा में 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे और इसे इस पानी उबलते हुए पानी में डालकर अच्छे से हिलाते जाएंगे, लगातार हिलाते जाएंगे। गैस को बंद कर देंगे और इसको हिलाते जाएंगे, एक डो के फॉर्म में ले लेंगे। इस मिश्रण को निकाल लेते हैं इस बाउल में, एकदम ठंडा कर लेंगे और अच्छे से एक सार कर लेंगे इसको। इस तरीके से, और अब इसको मैं भरूंगी इसे बनाने वाली मशीन में। आप इसको पाइपिंग बैग से भी बना सकते हो। डाल लेते हैं इसी तरीके से पूरा इस सेव बनाने वाली मशीन में। मैंने इसको डाल दिया है, इसको बंद कर देंगे। इधर तेल हमारा गरम हो गया है, अब हम बना लेते हैं इससे चिरोस इस तरीके से और कट कर देंगे इसी तरीके से, और भी बना लेंगे। अच्छे से सिक जाएंगे, गोल्डन ब्राउन हो जाए, इनको निकाल लेंगे इस तरीके से। मीडियम और फुल गैस में फ्राई कर लेने हैं इनको। हो गए हैं गोल्डन ब्राउन, इनको निकाल लेते हैं एक टिश्यू पेपर पर इस तरीके से, और सभी बना लेंगे इस तरीके से पूरे। एक प्लेट पे हम डाल लेंगे शुगर, उस पे डालेंगे 1/2 चम्मच दालचीनी का पाउडर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसमें इन चुरोस को इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। सारे इसी तरीके से कर लेंगे, इसे गरम गरम में ही इनको करना है, जिससे कि ये अच्छे से चीनी भी चिपक जाए और दालचीनी का फ्लेवर इसमें अच्छे से आ जाए। चॉकलेट गनाश बनाने के लिए हमने ले लिए डार्क कंपाउंड का 1 पीस। इसको टुकड़ों में कर लेंगे इस तरीके से। अब इसके लिए हमने गैस पर रख दिया एक बर्तन और इसमें डालेंगे हैवी वाली क्रीम। एक बॉईल आने देंगे इसमें, क्रीम में बॉईल आ गया है, अब गैस बंद कर देंगे। अब एक बाउल लेंगे, इसमें डालेंगे हमने ये ग्रेटेड की हुई चॉकलेट और इसमें डाल देंगे ये हैवी क्रीम।
और लगातार इसको मिक्स कर लेंगे। ये गनाश हमारा बनकर तैयार हो गया है, ये देखिए एकदम गाढ़ा। अब चाहे तो इन चिरोस को इस बिना चॉकलेट सॉस के भी खा सकते हैं, और चाहे आप इसको इस तरीके से चॉकलेट सॉस में डिप करके एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी बनाकर देखिए ये चुरोस की रेसिपी। वैसे तो चुरोस कई तरीके से बनाए जा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको आपको सिंपल वे में बनाना बताया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइए, और मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में जितना हो सके इसे शेयर कीजिए। राइट साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।